हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए MPPSC MPB परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका पहला प्रश्न बता रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। यहाँ पर चार राज्य दिए हैं, इन चार राज्यों में से आपको बताना है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देख लीजिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है प्रश्न है, तो छत्तीसगढ़ तो पड़ोसी राज्य है, गुजरात भी है और महाराष्ट्र भी है। तो यहाँ पे नहीं है में सही आंसर आ जाएगा, उड़ीसा मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, उड़ीसा। इस प्रश्न को आपकी PEB एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर दो में दिया है मध्य प्रदेश में प्रथम मेगा फूड पार्क खालिस्तान में 12 फरवरी 2016 को उद्घाटित किया गया था। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रथम मेगा फूड पार्क खालिस्तान में कहाँ पे 12 फरवरी 2016 को उद्घाटित किया गया था। इसके चार ऑप्शन है, नंबर एक खरगोन, नंबर दो जबलपुर, नंबर तीन देवास, नंबर चार दतिया। ये चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है नंबर ए, खरगोन। मध्य प्रदेश में प्रथम मेगा फूड पार्क खरगोन में 12 फरवरी 2016 को उद्घाटित किया गया और इस प्रश्न को भी PEB एग्जाम 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीन देखिए इसी का। प्रश्न नंबर तीन क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है वो हमें बताना है। यहाँ पे इसके चार ऑप्शन दिए, ए नंबर गुजरात और राजस्थान, बी नंबर राजस्थान और उत्तर प्रदेश, सी नंबर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, डी नंबर छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। तो इसका सही आंसर बी नंबर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न को भी PEB एग्जाम 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर चार क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। तो इसके चार ऑप्शन दिए, ए नंबर मालवा का पठार, बी नंबर रीवा पन्ना का पठार, सी नंबर बघेलखंड का पठार और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आ जाएगा मालवा का पठार, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार। इस प्रश्न को भी PEB एग्जाम 2015 और 2016 में पूछा गया है। इस प्रकार से आपके लिए हम जितनी भी आपकी जो एग्ज़ाम है 2015-2016 जो पूछे गए प्रश्न हैं सनवाइज, वह प्रश्नों को हम लेके आए हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर पाँच क्या कह रहा है? आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो प्रश्न है, आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। ए नंबर दिया है उमरिया, बी नंबर मंडला, सी नंबर भोपाल और डी नंबर शिवपुर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, भोपाल। आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर आ जाएगा भोपाल जिले में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को भी 2015 PEB एग्जाम में पूछा गया है। मध्य प्रदेश, प्रश्न नंबर छः क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, इंदौर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील इंदौर है और इसे PEB एग्जाम 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर सात क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग, जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग। यहाँ चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है। तो यहाँ सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग कौन सा संभाग है? जबलपुर संभाग है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आठ, राष्ट्रीय ला इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? इसके चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में सही आंसर बताना है। तो सही आंसर इसका आ जाएगा भोपाल। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है राष्ट्रीय ला इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी। कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये PEB एग्ज़ाम 2014 में पूछे गए हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं ध्यान से, ये आपकी जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर नौ देखिए, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, जबलपुर में है। कहाँ पर ये? जबलपुर में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्था
जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्था मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, भोपाल में। जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्था मध्य प्रदेश के भोपाल स्थान पर स्थापित किया गया है। ये भी आपका पी बी एग्जाम 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखब को राजकीय खेल किस वर्ष घोषित किया गया? प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखब को राजकीय खेल कब घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2013। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से आपको चुन के सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर, 2013 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखम को राजकीय खेल 2013 वर्ष में घोषित किया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। मध्य प्रदेश में कुल कितने आदिवासी विकास खंड हैं? प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितने आदिवासी विकास खंड हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कुल 89 आदिवासी विकास खंड है। तो इसका सी नंबर का आंसर सही है, कितने विकास खंड है, 89। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का, छतरपुर। इन चारों में से आपको सही आंसर चुनना था, तो सही आंसर क्या है इसका, डी नंबर का, छतरपुर। मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम छतरपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। मध्य प्रदेश का पहला सेक्स वर्क पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, कहाँ पे की गई, सी नंबर, गुना में। मध्य प्रदेश का पहला सेक्स वर्क पुनर्वास केंद्र की स्थापना गुना में की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित है? तो इसके चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में सही आंसर आपको यहाँ से देख के बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, देवास में। कहाँ पे की गई है, मध्य प्रदेश में निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क देवास में स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है, ये देवास में है। नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा है। किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो वह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली विपक्ष की महिला नेता कौन थी? मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली विपक्ष की महिला नेता कौन सी थी? यहाँ चार महिला दी हैं, चार महिलाओं के नाम दिए, उनमें से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली विपक्ष की महिला नेता कौन थी। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, जमुना देवी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का मुख्यालय, प्रश्न है, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसमें चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, कहाँ पे है, भोपाल में है। मध्य प्रदेश के लघु उद्योग निगम का मुख्यालय भोपाल पर स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19। देश का पहला गौ अभ्यारण कहाँ पर स्थित किया गया है? प्रश्न है, देश का पहला गौ अभ्यारण कहाँ पर स्थित किया गया है? इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर रायसेन, बी नंबर मंडला, सी नंबर आगरमालवा और डी नंबर मुरैना। इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, आगरमालवा। देश का पहला गौ अभ्यारण आगरमालवा पर स्थित किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, हमारी जो सीरीज है 2020, किसकी सीरीज है, आइडियल देव क्लासेस की 2020 सीरीज है। इस 2020 सीरीज का अंतिम प्रश्न है, यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए गए हैं, जो आपकी पीईवी एग्ज़ाम एमपीपीएससी एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे गए, यदि आपको लग रहा है कि ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर देखिए इन प्रश्नों को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए इस सीरीज का अंतिम प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 20, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूँ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसके चार ऑप्शन दिए, ए नंबर बैतूल, बी नंबर रायसेन, सी नंबर जबलपुर और डी नंबर उज्जैन। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा जबलपुर में। तो इस प्रकार से आपकी यहां पर 2020 सीरीज समाप्त हुई।
इसके बाद नेक्स्ट और आपके लिए इसी प्रकार जो MPPSC और PEV एग्ज़ाम जो हैं आपके, इनसे संबंधित प्रश्न हम लेके आएंगे। यहाँ पे ये जो सेकेंड भाग है इस सीरीज का, सेकेंड भाग है, इसके बाद थर्ड, फोर्थ, इसी प्रकार से लेके आएंगे। मिलते हैं आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में।